नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह चक्रव्यूह में, स्वागत है आपका। संसद का सत्र शीतकालीन सत्र जो है वो अपने निर्धारित समय से 6 दिन पहले आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में कल शून्यकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि समिति ने सदन स्थगित करने का फैसला किया। इस दौरान सदन में विपक्षी सदस्य जो हैं वो भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ विधेयकों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है और उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने में सहयोग करने का अनुरोध भी किया। लेकिन सदन के शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो कि 7 दिसंबर को हुई थी और 29 दिसंबर तक उसको चलना था, वो उससे पहले ही कई विपक्षी दलों के नेताओं ने क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए सदन के सत्र को समय से पहले ही समाप्त करने का अनुरोध कर दिया है। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई है जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिंपल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बेच वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संविधान संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022। सभा में माननीय सदस्यों ने अभिलंब लिए लोक महत्व के 374 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन के समक्ष उठाए तथा पटल पर रखे। लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 23 वक्तव्य दिए गए, जिसमें से माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा सरकारी कार्य से संबंधित 2 वक्तव्य शामिल हैं। सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा 1,811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता, जिस पर 9वें सत्र में चर्चा आंशिक रूप से हो पाई थी पर आगे अल्पकालीन चर्चा हुई, माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। सत्र के दौरान 20 तथा 21 दिसंबर को सदन द्वारा देश में मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग की समस्या के महत्वपूर्ण विषय पर 193 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हुई। इस चर्चा में सदन के 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। गैर सरकारी सदस्यों के संदर्भ में सत्र के दौरान शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को
ये सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पुरस्थापित किए गए। श्री गोपाल चिनिया सेट्टी द्वारा जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नए अनुच्छेद 29AA का अनंत स्थापन, जिस पर 5 अगस्त 2022 को पिछले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, वह 9 दिसंबर 2022 को भी जारी रही, परंतु चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प को आगे पुनः 16 दिसंबर 2022 को चर्चा हेतु लिया गया। चर्चा पूरी होने के पश्चात माननीय महिला और बाल विकास मंत्री ने उसी दिन वाद विवाद का उत्तर दिया। 82 स्टार्ट क्वेश्चंस आंसर्ड, रेस्पॉन्स टू 1920 अनस्टार्ट क्वेश्चंस टेबल्ड, 9 बिल्स पास रिटर्न्ड आफ्टर 20 आवर डिस्कशन विद 160 मेंबर्स पार्टिसिपेशन। द हाउस ट्रावर्स्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, the energy conservation amendment bill 2022, 3 bills relating to the constitution, scheduled caste and scheduled tribes orders amendment, the new delhi international arbitration center amendment bill, the maritime anti piracy amendments bill, 31 private members bill introduction was effected, 0 hour there were 106 submissions, 205 special mentions, 36 reports were presented before the House by 8 department-related parliamentary standing committees, 3 hour short duration discussion on global warming and remedial steps, in which 17 honourable members participated. The Ministry of External Affairs made a statement on the latest developments in India's foreign policy. Minister of Defence made a statement on youngster incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh. Minister of Health and Family Welfare made a statement on COVID pandemic and the steps taken by Government of India in emerging COVID scenario across the globe and launched by the FAO at the initiative of India that involved the participation of all the members of the parliament. I express my deep sense of gratitude to Honorable Deputy Chairman, who afforded valuable suggestions and guidance and exemplified the highest standards of parliamentary practices. The panel of vice chairpersons also rendered able assistance. The Secretary General and his team performed commendably in a committed manner. I take this opportunity to extend my greetings to you and your family members on Christmas, English New Year, Sankranti, Pongal, Lohri, and many other festivals that dot various regions of our country. Honorable members, this brief session was marked with display of wit, sarcasm, humor, and intellect. I hope to experience more of it with greater indulgence from experienced members. Thank you. Jai Hind.
हाउस स्टैंड्स अर्जेंट सैनिटाइज। हमने तो अभी जो उलझे हुए थे कोविड का स्थिति, उसके बारे में गाइडलाइंस जारी की। देश के एक नागरिक के नाते तो पालन करना है नहीं करना, कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेदार पार्टी है तो डिसाइड करे, यही मैं करना कहना चाहता हूँ। और सेना के बारे में हमने बार बार इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी हमने दिया है। जब स्थिति नॉर्मल थी तब भी इन लोगों ने सेना पर चर्चा के लिए अलो नहीं किया। आज दोपहर में भी मैं डिटेल, जब जब इन लोगों ने इनकार किया डिटेल मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दे हैव रिजेक्टेड मेनी टाइम्स एंड नाउ दे आर टेलिंग दैट वी शुड डिस्कस। मिलिट्री हैज गिवन ए स्टेटमेंट, व्हाट एल्स दे डोंट वांट टू बिलीव आवर ओन मिलिट्री इवन व्हेन सर्जिकल स्ट्राइक्स टुक प्लेस। एट दैट टाइम ऑल्सो दे वर क्वेश्चनिंग the credibility or the questioning the reliability। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई हुई क्या विपक्ष उससे सहमत है, संतुष्ट है, और जिस तरह के आरोप सदन में सामने आए उन पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र सिंह नेता बीजेपी और भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है सरारे न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं सुरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी कि एक बार फिर से सदन का जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? पल्लवी जी, देखिए जिस प्रकार से 7 तारीख से सदन चलना शुरू हुआ, ये हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने अपना वही रोल अदा किए जो हर बार करते थे। उनको जनता से और देश की विकास से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ हंगामा करना है पार्लियामेंट के अंदर। और वहां पर कोई भी अच्छी बिल जो है जो लाने थे इस बार पास होने थे उसको नहीं होने के लिए वो लोग हमेशा से जाना जी, जो सदन की कार्रवाई है पिछले कई बारों का अगर इतिहास उठा के देख लिया जाए इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ी है। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नहीं है कि सदन की कार्रवाई को पूरा ही नहीं किया जा पा रहा है और विपक्ष को वो समझाने में या संतुष्ट करने में असफल हुए हैं? नहीं नहीं पल्लवी जी, देखिए ऐसा नहीं है, हर बार की तरह इस बार सभी माननीय सांसदों और सभी माननीय जो विपक्ष के नेता थे उनसे बात हुई थी कि सांसद की जो कार्रवाई है उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि देश की जो है विकास जो है वो आगे बढ़े। देखिए जिस प्रकार से 2-3 साल से कोविड के कारण जो है देश के अंदर जो विकास की गति है वो थोड़ा बहुत जो रुका, उसको आगे किस प्रकार से ले जाने के लिए सभी दलों के साथ बैठक हुई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा वो लेके आ गए, उसके बाद भारत जोड़ो पर भी आएंगे। भरत जी से पहले पूछ रहे थे, भरत जी इतने दिन जो सदन की कार्रवाई हुई है उससे आप कितना संतुष्ट है, विपक्ष कितना संतुष्ट है उससे? विपक्ष अगर संतुष्ट होता तो शायद सदन चलती, लेकिन देखिए दुर्भाग्य इस देश का कि बीच में ही जो है सदन को रोक दिया गया और खत्म कर दिया गया। तो यह दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं विपक्ष के बातों को लेकर। तो विपक्ष के बातों को सुनना ही नहीं चाहता। सत्ताधारी का ये कर्तव्य होता है पल्लवी जी कि किस तरह से जो है उस सेशन चलाए, अब वो नहीं चला पा रही है तो उसका ठीकरा जो है वो विपक्ष के ऊपर फोड़ना चाहता है। शीतकालीन सत्र चलाने का जवाबदारी किसका बनता था? क्या वो विपक्ष का बनता था? विपक्ष तो सवाल करेगा ना सुरेंद्र जी, क्या विपक्ष चुप बैठे मुंह पे काली पट्टी बांधे कि आपसे सवाल ही नहीं करे? आप जो करे वो सही है, बाकी दूसरा जो करे वो गलत है। चलिए जवाब लेते सुरेंद्र जी, बताइए विपक्ष कह रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, क्या वो चुप बैठे प्रश्नकाल का जो सेशन हुआ है पूरा? सुरेंद्र जी चलिए सुरेंद्र जी वापस आए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। वापस से भरत जी आपके पास जाना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बाद अमित शाह भी वहां पर कई बार गुस्से में नजर आए हैं, जिस तरीके से सवाल वहां पर उठाए गए पेगासस का खासतौर पर जो मुद्दा उठाया गया, तो इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए
जो जितने मुद्दे हमारे विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं वो सारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जनता के विषय के मुद्दे हैं। पेगासस भी है कि अगर उस पर इंक्वायरी चाहता है तो आप उसको इंक्वायरी कराइए ना, क्यों नहीं करवा रहे भाई। तवांग पे अगर चर्चा करना चाहता है विपक्ष, चीन पे चर्चा करना चाहता है तो आप क्यों भाग रहे हैं भाई। आपको 1962 याद होगा ना सुरेंद्र जी, जब चीन से लड़ाई शुरू थी उस समय आपके उस समय जो 36 वर्षीय सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं आपकी पार्टी की तरफ से, उन्होंने चर्चा की मांग की और उसको जो है नेहरू जी ने उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्वीकारा। चलिए जवाब ले रहे थे सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है कि चर्चा नहीं करने दी गई, इस पर आप क्या सफाई देंगे? पल्लवी जी देखिए, चर्चा क्यों नहीं करने के लिए दिया गया, चर्चा करने का तो पूरा मौका दिया गया, लेकिन बार 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 एक ही चीज को अगर आप लेके आएंगे जो कि इस देश के लिए खतरा है उस पे चर्चा थोड़े होगा। आप ये चीज बताइए ना, विकास की के लिए आप चर्चा कीजिए और चीजों के लिए चर्चा कीजिए, जो अच्छी चीज है उसके लिए चर्चा कीजिए। आप घुमा फिरा के वो चीन का मुद्दा आप लेके आ जाते थे, चीन की मैं पर सुरेंद्र जी बार बार चाइना की तरफ से, सुरेंद्र जी बार बार चाइना की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है, घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही, तो क्या ये हक नहीं बनता विपक्ष का या जनता का कि वो सच जाने की मौजूदा हालात के रहे क्या? सुरेंद्र जी, पल्लवी जी, हेलो, सुरेंद्र जी, चलिए सुरेंद्र जी से फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भरत जी की बात चलते हैं वापस। भरत जी, यहाँ पर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा का एक मुद्दा है जिसको विपक्ष वापस बार बार राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। भरत जी यहाँ पर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, तवांग की जो बात बार बार उठाई जा रही है इसे वापस से राजनीतिकरण का जो है रूप दिया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं पल्लवी जी कि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला ये कह रहे हैं, तो क्या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चीन से युद्ध शुरू था और युद्ध के बीच में जो है संसद का विशेष सत्र बुला के पंडित नेहरू जी ने जब चर्चा करवाई थी और 160-165 उस समय सांसद थे, तो क्या उस समय आंतरिक मामला करके हम पल्ला नहीं झाड़ सकते थे कि हम नहीं बात करेंगे इस विषय पे क्योंकि हमारी आंतरिक मामला है? लेकिन अगर सांसदों ने चाहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए तो पंडित नेहरू जी ने चर्चा करवाया, और आप भाग क्यों रहे भाई? देखिए राजा जब कमजोर होता है, जिस देश का राजा कमजोर होता है तब वो इसी तरह से बात करता है और इसी तरह से प्रजा को जो है वो दबाता है और दमनकारी चक्र चलाता है। जिस तरह से आप संसद में बोलने नहीं देते विपक्ष को, तो ये एक तरह से दमनकारी चक्र है कि आप बोलने नहीं देंगे और आप फिर उसके बाद ये कहेंगे कि ये आंतरिक विषय है, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, हम जो है किसानों पे चर्चा नहीं कर सकते ये आंतरिक विषय है, हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर सकते ये आंतरिक विषय है। सब आंतरिक विषयों पे आप चर्चा करना ही नहीं चाहते और हम जो कुछ काम करना ही नहीं चाहते, तो आपकी ये तानाशाही दिखाती है कहीं ना कहीं पल्लवी जी। तो हम जाए कहां से भाई, सड़क पे हम करें तो फिर हमको बोलेंगे कि आप जो है विपक्ष की पार्टियां देश के आंतरिक मामलों को सड़क पे लेके जा रही है, और संसद में करें तो आप जो है सत्र खत्म होने से पहले जो है उसको बंद करने की घोषणा कर देते हैं। तो भाई जाए तो जाए कहां, विपक्ष और देश की जनता कहां गए? हम तो देश की जनता की बातों को बताने के लिए आए हैं ना, उनकी जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी से जुड़ गए वो वापस हमारे पास। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, विपक्ष कह रहा है कि चर्चा करने ही नहीं दी जाती है। देखिए पल्लवी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा से विपक्ष सिर्फ आरोप के अलावा और क्या किया आज तक? ये 70 साल में इन्होंने देश को जिस प्रकार से गुमराह करने का काम किया है, आज जब उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का बात आ है, तो ये विपक्ष जो है संसद के अंदर अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। देश के हित की बात कीजिए ना, समाज की बात कीजिए ना, जो आज आज अति पिछड़ा पिछड़ा वंचित लोग थे जिनको सही ढंग से उनकी जो उनको जो मिलना चाहिए था वो तक नहीं देने के लिए लोग तैयार थे, आज जब उनकी बात की जा रही है, उन विकास की बात की जा रही है, तो आज ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। आप हमको बताइए ना, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, क्या वो संसद में जाके देश की हित की बात किया? क्या
या उनके कौन सा ऐसा सांसद थे जिन्होंने क्या कहते हैं देश हित की बात करने का काम किया? सिर्फ चाइना के ऊपर, इसके अलावा और कौन सी बात की है ये आप बताइए? सिर्फ सुरेंद्र जी, क्या ये तवांग का जो मुद्दा है देश हित की बात नहीं है? सुरेंद्र जी, क्या चाइना का जो मुद्दा है, जो तवांग का जो मुद्दा है, क्या वो देश हित की बात नहीं है? देश की सुरक्षा को यहाँ पर खतरा हो रहा है, बार बार चाइना की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। क्या जनता ये ना सवाल करे, विपक्ष सवाल ना करे आपसे कि क्या मौजूदा हालात है, सरकार और देश कितना इस वक्त सक्षम है इस हालात से निपटने के लिए? नहीं नहीं पल्लवी जी, देखिए देश हित के लिए, देश सुरक्षा के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन जो जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने क्लियर शब्दों में पूरी पार्लियामेंट के अंदर सभी माननीय सांसदों के बीच में बात रखा कि हमारा एक जमीन जो है कब्जा उन्होंने नहीं किया, सैनिक जो है, हमारे सेना जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उनको डंडा से मार के उनको भगाया। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग सांसद में किस प्रकार से हंगामा खड़ा किए? अरे आपको बहस करना है, चीन में ही बहस करना है, आप बैठ के बहस कर लो। चलिए पूछ लेते हैं भरत जी, इन लोगों ने बहस करने का काम ही नहीं। भरत जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आखिर चीन पर ही इतना दबाव क्यों दिया जा रहा है? पहली सवाल मैं अभी भी आपसे करना चाहूंगी कि विकास के मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा क्यों नहीं की, कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा क्यों नहीं की गई, बेरोजगारी का जो इतना बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा क्यों नहीं की गई, या फिर ये पूरा एक षड्यंत्र या स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पर हंगामा किया गया है तवांग मुद्दे पर, जबकि राजनाथ सिंह बयान दे चुके हैं अपना सदन में खड़े होकर? बहुत सारे सवाल है, थोड़ा सा समय दीजिएगा पल्लवी जी, एक एक बातों के एक एक पहलुओं पे मैं जवाब देता हूँ। पहले तो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि 70 सालों में इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ 70 सालों में हमने क्या किया। आज इतने दूर बैठ के जो सुरेंद्र जी, आप, हम और पल्लवी जी डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस की देन है ना कि आपकी देन है, सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था हम सुई भी नहीं बनाते थे और आज हम जो है मिसाइल बना रहे हैं, ये आप और नरेंद्र मोदी जी नहीं लाए थे, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में ये किया है। और रही बात अब चीन पे, कि आप चीन पे ही चर्चा क्यों कराना चाहते हैं, मैं उसका कारण बताता हूं। उसका कारण ये है कि संसद में जब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से ये पूछे कि चीन से रिश्ते आखिर मोदी जी के आपके रिश्ते क्या है, तो उनको यूसी मोबाइल के बारे में जवाब उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। ये वही यूसी मोबाइल कंपनी है जो 2017 में इस पे रोक लगा दी थी भाजपा ने, और ये क्या के रोक लगाई थी कि ये देश के आंतरिक मामलों में जो है ये कहीं ना कहीं घुसपैठ कर रहा है। और फिर 2019 में इसी कंपनी को जो है इस्तेमाल करने का पूरा परमिशन दे दिया। फिर शेयरिट, शायद आपको पता होगा पल्लवी जी, शेयरिट कंपनी टेक्नोलॉजी पे पाबंदी लगाई और फिर वापस इसी को पार्टनर बना के इसी को सारा काम दे दिया गया। हम ये पूछना चाहते थे कि आरएसएस के लोग आखिर 14-15 बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में जाके क्या मीटिंग किए, क्या मीटिंग होती है उनके साथ भाई आरएसएस के लोगों का, ये खुलासा करना था हमें जो है वो सदन में। विदेशी एक इनके विदेश के जो मंत्री हैं उनके पुत्र का आखिर क्या संबंध है चाइना से, जो 2016 से लेके 2022 तक जो है वो चंदा लेते हैं अपनी जो है एक फर्म में, आखिर ये पूछ रहा था। फिर ये सारे बहुत सारे सवाल ऐसे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पार्टी के 14 नेता चीन जाके आखिर वहां पे क्या ट्रेनिंग ले रहे थे, और वो क्यों कह रहे थे कि हम जो है भारत की बड़ी पार्टी है और आप चाइना की बड़ी पार्टी है, तो हम दोनों मिलके ग्लोबल पार्टी बनाते हैं। आखिर वो ग्लोबल पार्टी चीन के साथ क्यों बनाना चाहती थी भाजपा, ये हमें जानना था, ये देश को जानना था। पीएम केयर फंड को सार्वजनिक रूप में क्यों नहीं आप जो है घोषित करते हैं, देश को पता चले कि आपने इस पे कितना पैसा लिया। राजीव गांधी वाले जो है इस पे आपने बैन लगा दिया कि यहाँ पे जो है वो बाहर से विदेश से पैसा आता है, तो पीएम केयर फंड में जो इतने सालों से चीन का पैसा आ रहा है, जो यूसी कंपनी ने पैसा उसको जो यूसी कंपनी ने दिया, शेरिट ने दिया, बहुत सारी मोबाइलों की कंपनी बड़ी बड़ी है जो उसने पैसा दिया, आखिर उससे आपने कैसे लिया? चौथा पांचवा आपको डॉन फैन आपको याद होगा,
डोंग फैन पर विशो ने पाबंदी लगा के रखी है पल्लवी जी, और उसी डोंग फैन कंपनी को इन्होंने पहले जो है जम्मू कश्मीर में मीटर लगाने का परमिशन दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो कि पूरी तरह से पाबंदी है, उसको आपने कैसे दिया भाई? ये तो देश के लोग जानना चाहते हैं ना। बलेरा गुजरात आपको याद होगा, बलेरा गुजरात में 43,000 करोड़ का इन्वेस्ट जो है वो चीन करता है, और ये चीन के अखबारों में छप के आता है। जब गुजरात का चुनाव शुरू था तो उसमें ये पूछा गया, तो वहां पे जवाब आया कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात चुनाव तो हार ही नहीं सकते, अगर वो गुजरात चुनाव हार गए तो हम जो है बर्बाद हो जाएंगे, यानी चीन बर्बाद होगा। ये वहां के अखबारों में प्रमुखता से छपा, यानी चीन इस तरह से बात कर रहा है और ये ठोक के कह रहा है कि नहीं, हमारा और नरेंद्र मोदी का रिश्ता कुछ ना कुछ तो कहलाता है। तो ये सारे सवाल जब हम उनको पता चला, देश के प्रधानमंत्री को पता चला, ये सारे सवाल लेके विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी पटल पे आ रही है, तो हम इसे कैसे बचे? और इसीलिए उन्होंने सत्र को पहले ही खत्म करवा दिया। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी ने तो जवाब दे दिया। अरे हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम उस समय जो है रक्षा मंत्री से, जब पंडित नेहरू जी चाहते तो अपने रक्षा मंत्री से कहलवा देते ना कि आप जवाब दे दीजिए चाइना के ऊपर, बात खत्म हो गई। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि नहीं, हम जो है प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकारा और उन्होंने ठोक के कहा कि हम इसका जवाब देंगे। अरे भाई, राजा क्यों भाग रहा है? कमजोर राजा है इसलिए भाग रहा है ना। अरे मजबूत राजा होता तो इन सभी बातों का आगे जवाब देता। मीडिया से राजा भागता है, जनता से भागता है राजा, उसके बाद विपक्ष से राजा भागता है। अरे कितने दिन भागोगे आप सुरेंद्र भाई? भागोगे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चलिए भरत जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपने उठा दिए हैं। बात तवांग से शुरू हुई थी, लेकिन हमने चाइना और पीएम मोदी के रिश्ते और फिर उसके बाद 14 नेता के रिश्ते, पता नहीं अब कहाँ कहाँ घूम आए। सुरेंद्र जी सब जवाब दे रहे। सुरेंद्र जी, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं भरत सिंह जी की तरफ से। पल्लवी जी, कांग्रेस का हमेशा से सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पे काम करना बहुत कठिन काम है। जवाब ले लेते हैं, वो चुप बैठे थे जब आप बोल रहे थे, जवाब ले लेते। जी जी पल्लवी जी, ये लोग तो 2020 में जब कोविड आया था उस टाइम भी ये लोगों ने आरोप लगाया, ये तो मोदी की वैक्सीन है, अगर इसको लगाओगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो आरोप तो बहुत आसान है लगा देना, लेकिन उस पे काम करना बहुत कठिन काम है। अब इन्होंने कहा कि गुजरात हार जाएंगे। नहीं सुरेंद्र जी, पर जो बात पूछी गई है, मैं चाहूंगी आप उसी पर रहें और उसी का जवाब पहले दें कि यहाँ पर ये जो ग्लोबल पार्टी बनाने की बात जो कही गई है भरत सिंह जी की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? पल्लवी जी, ये पार्टी तो कांग्रेस की, आज कांग्रेस तो अंग्रेजों का जो जमाना से है, तो अंग्रेजों की पार्टी थी, उनको इन्होंने अपनाने का काम किया, तो हमारा कहां है? हम तो इस देश की पार्टी है हमारी, और इस देश के लिए ही काम करना चाहते हैं। इनके तरह जो है अंग्रेजों की पार्टी को अपना पार्टी नहीं मान रहे हैं। नहीं, तो फिर ये कौन से 14 नेता की बात भरत सिंह जी कर रहे हैं जो वहां पर चाइना में जाकर मिलते हैं वहां की पार्टी से और ग्लोबल पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो भरत सिंह जी ही बताएंगे ना आपको कि ये कौन सी वो है, किस किस से ये रिश्ता इनके है। रिश्ता तो इनके है विदेशों में, 2008 में राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी गए थे, वो कौन सी एग्रीमेंट करके आए, और राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने पैसे आए उसका जो है जवाब ये देश की जनता को दे। उनका हिसाब किताब है इनके पास की वो लेखा जोखा जो भी है वो ये देने का काम करे। देश की जनता तो ये पूछना चाह रहा है कि तो आपके जी भरत जी ने जो राजीव गांधी उसने जो, चलिए सुरेंद्र जी जवाब दे देते हैं। जी भरत जी, पल्लवी जी, हम तो यही चाहते थे ना, हम तो यही तो कह रहे हैं ना सुरेंद्र जी कि सारा लेखा जोखा हम संसद के पटल पे रखने वाले थे। हम गलत थे कि आप गलत थे, ये देश की जनता तय करती। आप को बताए कौन सा वीर बहादुर जो होते ना, वीर बहादुर, वो वीर बहादुर नहीं है, आप लोग भाग बहादुर है, भागने में माहिर है। देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे याद नहीं आ रहा है पल्लवी जी कि पिछले 8 सालों में एक भी प्रेस मीडिया के सामने आके प्रेस को संबोधित किया हो या प्रेस से प्रेस की बातों का जवाब दिया हो। जब आदमी चौथे स्तंभ को नहीं मानता है, ये कहा जाता है कि मीडिया देश की चौथा स्तंभ है,
अगर कोई भी समस्या रखी है सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं पहले। हाँ। सुरेंद्र भाई आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो अपने मन की बात तो क्या लेते हैं, ना मीडिया के मन की बात सुनते हैं, ना देश के मन की बात सुनते हैं, ना किसानों के मन की बात सुनते हैं। देश में आज महंगाई की जो चरम पे पहुंच गया, आप महंगाई की बात करते हैं, हम उस पर तो चर्चा चाह रहे थे ना, अरे भाई चीन पे चर्चा चाह रहे थे, महंगाई पे चाह रहे थे, किसान जो दिल्ली में भरत जी आज मौका मिला है, पहले जरा आप यहाँ से जरा सा बता दीजिए कि 14 मंत्री कौन से जिनके आपने नाम लिए कि वो चाइना गए थे, ग्लोबल पार्टी की बात कर रहे थे, जरा नाम बता। 14 इनके बड़े नेता, इसलिए कहा ना कि संसद के पटल पे वही नाम जानना चाह रहे हैं आपसे कि कौन से वो 14 बड़े नेता हैं जो गए थे। मैं आपको 14 इनके बड़े नेता हैं, वो समय आने पे हम खुलासा जरूर करेंगे। और दो दिन से हमने इस पे कहा भी कि 14 लोग हैं, ये संसद भी ऐसा विषय है ना पल्लवी जी, इसको संसद पटल पे ही देश के सामने रखा जा सकता है। 14 लोग हैं कि नहीं पहले इनसे पूछ लीजिए, उसके बाद हम खुलासा करेंगे ही ना, आप टेंशन मत लीजिए। अब रही बात है कि राहुल गांधी जी के पद यात्रा से इनको परेशानी क्या है, देखिए जिस तरह से जन आशीर्वाद और समर्थन जनता का इस समय अपार सफलता मिल रही है ना, चाहे ये सोच रहे थे कि हिंदी हार्टलैंड पे जब हम पहुंचेंगे तो यात्रा फेल हो जाएगी, लेकिन हिंदी हार्टलैंड पे जो साउथ से चले थे ना, हिंदी हार्टलैंड पे एकदम और जबरदस्त सफलता मिलने लगी है, तो इससे घबराए थे कि किसी तरह से। अब डायरेक्ट तो इस तरह से नहीं कह सकते कि आप जो है यात्रा रोक दीजिए, हम नहीं करने देंगे, ये चाहते थे कि किसी तरह से यात्रा बंद हो जाए। मैं इसे पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, अमित शाह जी गृह मंत्री, क्या वो मंजर भूल गए हैं कि जब दूसरा टर्म आया था कोरोना का, उस समय अपने चरम पे कोरोना था, तो आप लोग बिना मास्क के अमित शाह जी का पूरा फुटेज देख लीजिए, वो जो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी अभी पूरा गुजरात करके आए, त्रिपुरा करके आए, तब उनको कोरोना याद नहीं आया, लेकिन जो है आप लोग इतना घबरा गए हैं ना राहुल गांधी जी के पद यात्रा से कि आप लोग सोच रहे हैं तरह से उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे जो आज हैं, तो उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, जो इस वक्त मौजूदा कोरोना के हालात हैं, फिलहाल संसद पे ही चलते हैं, उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। चलिए सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिए, जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं कि यहाँ पर चर्चा से सरकार भाग रही है, क्या सरकार डर गई है इसलिए सदन में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और जिस तरह के यहाँ पर आरोप और जो मुद्दे उठाए गए हैं भरत सिंह जी की तरफ से। पल्लवी जी भारतीय जनता पार्टी कभी भी डरने और डर की बात नहीं करती है, देश के विकास की बात करने पे जो है विश्वास रखते हैं। और जहां तक रहा कह रहे हैं कि डरने की बात, अरे 56 से 156 हो गए, 56 इंच बोले थे, 156 इंच का आज सीना माननीय प्रधानमंत्री जी का हो गया है, और आप जो है जहां थे वहां से नीचे घिसक गए हैं, आज डर उसका नहीं। आप एक बार देखिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का चल रहा है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है, लेकिन जब आप अचानक आप देखिए, जब विदेशों के अंदर आप देखिए चाइना के अंदर क्या हालत है कोविड का, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखा कि आप इस तरह का तो आप जो आपके उसमें ढूंढ रहा है, सिर्फ राहुल जी सुन लेते हैं बोलने दीजिए, राजस्थान के जी एक एक करके बोलिए, उनकी बात समझ नहीं आएगी। भरत जी आपके पास भी लौटेंगे जी, सुरेंद्र जी तो ये चिट्ठी जो है सिर्फ राहुल गांधी जी को तो नहीं लिखे, ये तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया कि इस तरह की जो स्वास्थ्य जो हमारी अगर इधर उधर कुछ दिक्कत है या गड़बड़ है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। अभी तो राहुल गांधी जी को सिर्फ सूचना दिया गया, उसपे विपक्ष जो है बौखला गए। आज अगर मान के चलिए, अगर भगवान ना करे कि ऐसा जो आज चाइना के अंदर है, अदर देशों में है, वो भारत में हो जाए, क्या हाल होगा इस देश का? तो उससे पहले हमको सोचने और समझने की जरूरत है। तो सुरेंद्र जी सदन में इसी विपत्ति को लेकर चर्चा क्यों नहीं की गई, कोरोना के मामले को लेकर, और विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि चर्चा ही नहीं करने दी गई प्रश्नकाल के दौरान, ना तो सरकार हमारी बात सुनती है और ना हमारी बात का जवाब देती है। पल्लवी जी सांसद टीवी जो है जब हाउस चलता है हमेशा ऑन रहता है, चालू रहता है, देश की जनता जो है हर एक चीज देखा कि कौन किस पे चर्चा करना चाह रहा है, कौन नहीं करना चाह रहा, कौन देश की बात कर रहा है, कौन विदेशों की बात कर रहा है,
इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, जनता की कोई मुद्दा नहीं था। आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, इन पे कोई चर्चा नहीं करनी थी इनको। इनको सिर्फ एक मुद्दा मिल गया चाइना का, उस पे बार बार मुझे उस पे बहस कराइए, उस पे बहस कराइए। जब उनका जवाब दे दिया गया तो उस पे बहस करने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता थी। अब चलिए भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं कोविड की बात, तो कोविड में भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही सबको चिट्ठी लिख के और उन्हें सचेत कर दिया गया, उस पे भी बहस करने की अभी जरूरत नहीं थी। चलिए भरत जी से जवाब ले लेते हैं। जी भरत सुरेंद्र जी, सांच को आज की जरूरत नहीं है, होती है। राजस्थान के आपके जो प्रमुख हैं सतीश पुनिया जी, उन्होंने कहा कि हमारी जन आक्रोश यात्रा ये चलती रहेगी। आपके स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये राहुल जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप अपनी यात्रा बंद कर दीजिए क्योंकि हम लोग तो घबरा गए हैं आपसे, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष है वो यात्रा करते रहेंगे क्योंकि वो करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। लेकिन राहुल जी आप पद यात्रा करोगे तो कोरोना बढ़ जाएगा देश में, लोगों को जो है इसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जो यात्रा करेगी उससे लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन हमारे जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है, जो हमारे नेता है, वो अगर पदयात्रा करेंगे ना तो उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि भरत जी क्या इन सब मुद्दों को सदन में नहीं रखना चाहिए था कांग्रेस को? हंगामा करने से बेहतर क्या ये नहीं था कि चर्चा करते सदन में जाकर? पल्लवी जी जब आप मौका देंगे तब ना हम रखेंगे, मैं बार बार तो यही कह रहा हूँ। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू पिछले 8 साल में ले पाएंगे आप बताइए मुझे? आपका कोई बेचारा रिपोर्टर जाके ऐसा पूछ पाया क्या कि नरेंद्र मोदी जी ये बताइए चाइना? आप फिर मोदी जी पर पहुंच गए, मैं सदन की बात कर रही हूँ, आप प्रधानमंत्री पर पहुंच गए सर। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि सदन में क्यों नहीं चर्चा की गई? गांधी जी की मूर्ति के बाहर बैठकर वहां पर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। एक लिस्ट दिया जाता है, एक लिस्ट दिया जाता है कि इस विषय पे चर्चा करना है। आप देख लीजिए ना कि विपक्ष ने चाहा है कि नहीं, दिया है कि नहीं लिस्ट, आप ये तो देख लीजिए ना, मंगवा लीजिए आप। हमने क्या क्या चर्चा का विषय रखा था वो सब दे दिया था, और ये आपको पता होना चाहिए कि पहले दिया जाता है। ये सारा है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ये सारा चीज दिया था, चीन पे भी दिया गया है ना, सारा चीज दिया गया है। लेकिन ये अपनी सुविधा के हिसाब से बात करना चाहते हैं, ये अपनी सुविधा के हिसाब से। अब मांडविया जी से पत्र आप लिखवा के जो है भिजवा रहे थे, तो क्या आपने वो जो है सतीश पुनिया जी को क्यों नहीं लेटर भिजवाया? भाई सतीश पुनिया जी का जो है वो तो रैली चालू है, क्या देंगे इसमें भाजपा के लोग जवाब बता दीजिए? क्या वो करेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, और कांग्रेस पार्टी करेगी तो कोरोना फैलेगा? आप जब ट्रंप को बुलाने, आप ट्रंप को जब यहाँ पे बुलाए थे जब पहली बार कोरोना आया था, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 6 महीना पहले संसद में कह दिया था कि जो चाइना में कोरोना आया हुआ है, जो महामारी आया हुआ है, उससे बचने का क्या उपाय है? तो ये लोग तो हंस के तब जो टेबल पीट रहे थे, और उसके बाद में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तब उसके बाद कोरोना का समय नहीं आया था। और आज जो है नसीहत दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि नहीं आप कोरोना आ गया, मास्क पहनना। पर भरत जी उस लिहाज से तो राहुल गांधी को हंसते हंसते यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, जब पहले वो एक बार कट चुके हैं तो दूसरी बार भी कर देना चाहिए। जनता को ज्यादा खुशी होगी कि हमारे नेता को हमारी कितनी परवाह है। आप कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन आप समझिए ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से आनी चाहिए कि नहीं? सरकार की तरफ से गाइडलाइन आया ही नहीं, उसके पहले घबराहट में मांडविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री है केंद्रीय, वो चिट्ठी लिखते राहुल गांधी जी को, सर 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 आप जल्दी से अपनी यात्रा बंद कर दीजिए, हम परेशान हो गए, हमारे पास कोई उपाय नहीं आपको रोकने का, हम डायरेक्ट आपको है ना अपनी यात्रा अपने अध्यक्ष जो है वो चलती रहेंगे, करते रहेंगे यात्रा। चलिए सुरेंद्र जी देखिए पल्लवी जी, जिस प्रकार से भरत भाई यार आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। आपके चैनल पे भी और तमाम चैनल पे भी यही दिखाया गया कि राहुल गांधी जी के साथ तमाम देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन सबको लिखा गया है चिट्ठी, पर इसके बावजूद कर्नाटक में तो यात्रा हुई ना, पर आरोप ये भी सामने आ कर्नाटक में भी यात्रा हुई, वहां रुकावट नहीं हुई, नहीं रोकी गई। देखिए ये सिर्फ राहुल गांधी जी को लिखा नहीं गया, भरत जी बोल लेने दीजिए। देश में जो चाइना में ये तमाम देशों में जिस प्रकार से आज माहौल कोरोना लेके है उससे सचेत होने की जरूरत है या नहीं है ये आप इनसे पूछिए, और इनको ये भी नहीं कहा कि आज ही आराम कर दीजिए। पर सुरेंद्र जी भरत जी वही कह रहे हैं कि जब सदन में जो सूची दी गई थी उस लिहाज से तो चर्चा की ही नहीं गई, तो बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि सदन में चर्चा नहीं करने दी जा रही, इसलिए विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को आपने सुना अभी सुनाया,
उन्होंने क्या कहा उसमें क्लियर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उसमें देश में सुना है, आपने भी सुना है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहीं भी नहीं कहा। भरत जी बोल लेना दीजिए। महंगाई पे चर्चा हुई थी, बेरोजगारी पे चर्चा हुई थी, किसानों पे चर्चा हुई थी, कहीं भी जो है जिक्र नहीं है। हमने जो लिस्ट मैंने कहा कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से चर्चा करवाना चाहते हैं, आप जो है जनता के हिसाब से विपक्ष के हिसाब से चर्चा नहीं करवाना चाहते, आपको जो सुविधा लगे जो भरत जी जवाब दे लेते हैं। हमेशा ही सिर्फ चैनल के अलावा और कोई भी लेके नहीं आया, आपने किसी और चीजों पे चर्चा करना ही नहीं चाहा, सिर्फ चैना 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 करते रहे। आपका सुरेंद्र जी अपने आप अपने नेताओं से माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी से कह दीजिए 7 दिनों का और सेशन बढ़ा दे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। चलिए मैं आज भरत जी आज आप कह रहे हैं सेशन बढ़ा दें, आप कह रहे हैं कि इन्होंने सेशन खुद से ही कम कर दिया, जबकि आपसी सहमति इस बात पर बनाई गई थी आगामी त्योहार को देखते हुए कि क्योंकि क्रिसमस है न्यू ईयर है तो जो भी सांसद है अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। जी सुरेंद्र जी आएंगे आपके पास, देश के प्रधानमंत्री को बचाया जाए, इस चर्चा से किसी भी तरह से समाप्त करके चीन वाला मुद्दा खत्म किया जाए। पर भरत जी आप ये कह रहे हैं कि कोई सहमति नहीं थी आपसी? कोई सहमति नहीं थी, अगर सहमति होती तो हम ये जो है आज चर्चा ही नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो है किसानों पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए और चीन पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर मोदी जी के चीन से संबंध क्या है। भरत जी जो तमाम मुद्दे आप और बता रहे हैं वो आज यहाँ बता रहे हैं, लेकिन इतने जो भी इंटरव्यूज हुए इससे पहले कभी भी किसी के मुंह से तवांग के अलावा कोई और बात निकली ही नहीं, तो क्या यही मान लिया जाए कि जानबूझकर तवांग का मुद्दा इतना ज्यादा उठाया गया है क्योंकि जानते हुए कि ये एक आंतरिक सुरक्षा का मामला है? बहुत जरूरी था क्योंकि उस समय देखिए किसी को ये नहीं पता था कि तवांग में इस तरह से हो जाएगा। हमने पहले जो सत्र में चर्चा उठाने का जो ये था कि भाई क्या क्या उठाया जाएगा, महंगाई बेरोजगारी इस पे तो उठाया जाएगा और ये आज से हो रहा है, हर सत्र में तो होता है ना। पल्लवी जी पिछले सत्र में भी तो महंगाई का हमने जब बात करने का कोशिश किया तो भी सत्र में ये बात को करने नहीं दिया गया, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं होने दिया गया। आप कैसे आप बता रही है तो आप देखिए ना, पिछले साल तो हमने चर्चा महंगाई बेरोजगारी इस पे करना चाहता ना, लेकिन जो है उन्होंने करने नहीं दिए। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी अभी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सांसद जो है लिख के नहीं दिया, लेकिन ये विपक्ष के सांसदों ने भी लिख के दिया और जो जो हमारे सांसद है सबने कहा कि अध्यक्ष जी बहुत 2-3 साल बाद जो है ये अच्छा मौका आया है नया साल का और क्रिसमस का, इसमें जो है त्योहार नया आया है इसमें मनाने के लिए 2-3 दिन पहले जो है अगर आप संसद की कार्रवाई को खत्म कर देते हैं तो सब परिवार के साथ इस त्योहार को अच्छे से मनाएंगे। और ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ पक्ष वाले ही, अरे हम तो चाह ही रहे थे, और इनसे पूछिए कौन सा ऐसा विपक्ष के जो सांसद माननीय सांसद थे वो लोकसभा में कितने परसेंट आए हैं, कुछ सांसद के अंदर तो आए नहीं और कह रहे हैं कि हम बहस करना चाह रहे थे। आप पूरे सांसद टीवी उठा के देख लीजिए कितने विपक्ष के सांसद जी थे हॉल के अंदर आए हुए थे जो अपनी बात रखना चाह रहे थे। चलिए भरत जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि सांसद पहुंचे ही नहीं सदन तक क्योंकि देश की जनता को मालूम हो चुका है इस देश का विकास कौन करेगा। अब ये बताइए सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं जी। अब सुरेंद्र जी ये बताइए मुझे, हम संसद में तो थे, बापू जी की प्रतिमा के नीचे तो थे, मुंह बांध के हम खड़े थे, कभी हम जो है नारे लगा रहे थे, आपने देखा नहीं, बिजोल नहीं देखा टीवी पे, हमारी बातें नहीं मानी जा रही थी संसद में, हमको ऑकवर्ड हो गया कि हम बाहर हमको धरना प्रदर्शन मीडिया के सामने चिल्लाना पड़ रहा था कि देखिए हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो बेचारी ये मीडिया कम से कम उसको जो है दिखाती तो थी कि भाई जो है विपक्ष जो है वो रोड पे आ गया। अच्छा रोड पे आ गए तो बोले कोरोना है, आप रोड पे क्यों जा रहे हैं, चलिए संसद के अंदर आइए, संसद के अंदर आए तो बोले संसद में चर्चा नहीं कराएंगे, आप रोड पे जाइए, तो ये आपका खेल तो समझ में नहीं आता ना देश की जनता को। देश की जनता समझेगी कैसे आपको कि आपके चाल चलन और चेहरे में क्या फर्क है। पर भरत जी हर बार इसी हंगामे के साथ सत्र जो है वो इस तरह से स्थगित करना पड़ता है, ये कहां तक सही है? क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष की भूमिका काफी अहम हो जाती है कि सड़क पर उतरने से अच्छा है कि संसद में अपने मुद्दों को प्रमुखता के साथ और मजबूती के साथ रखें,
लेकिन वहां पर आप जाकर उपराष्ट्रपति की वहां पर बेइज्जती कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जगदीप धनखड़ के साथ यहाँ पर हुआ। मैं इसका समर्थन कभी नहीं कर सकता हूँ, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, ये गलत है एक चीज। और दूसरी चीज, देश की जनता हर सांसद को, चाहे वो कोई भी पार्टी का सांसद हो, इसलिए चुन के भेजती है कि उसकी समस्याओं को ये जाके वहां हमारी समस्याओं को जो है वो उठाएंगे सत्र में, सेशन में। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्य देखिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, वो अपने अहंकार में इतना डूब चुकी है, वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो सिर्फ देखिए, और एक चीज बता दूं पल्लवी जी, राजा जब कमजोर होता है ना, जब कमजोर होता है ना तभी इस तरह से जो है वो हथकंडे अपनाता है। जब राजा मजबूत होता है ना और उसकी सारी समस्याओं का हल होता है ना, तो खुले दिल से आता है और कहता है कि पूछिए, आपको जो पूछना है, आप हमारे सांसद हो, आप भले किसी पार्टी को हो लेकिन आप हमारे सांसद हो, इसलिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, न कि भाजपा का प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए जो भी आप पूछना चाहते हैं मैं उस बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मगर राजा ही जब कमजोर है तो वो जवाब क्या देगा, क्योंकि किसी के घर में तकलीफ है, देश में तकलीफ है, बॉर्डर पे तकलीफ है, राज्यों में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, कर्नाटक के राज्यों में आपस में सीमा विवाद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, लाल कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं। भाजपा तीनों जगह है, केंद्र में भी भाजपा है, महाराष्ट्र में भी भाजपा है, कर्नाटक में भी भाजपा है, और आज हालात क्या है, अरे आप तो बॉर्डर पे वहां पे तो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये अंदर की लड़ाई कैसे खत्म करेंगे। ये सारी समस्याओं को जब विपक्ष उठाना चाहा तब ये भाग खड़े हुए, राजा भाग खड़ा हुआ, राजा बोला कि नहीं नहीं अब तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को आगे कर दिया, सेनापतियों को आगे कर दिया कि देखो अब जो है मुझे बचाओ, लड़ाई तुम लड़ो, अगर तुम बचे रहोगे तो फिर मैं बाद में देखूंगा। चलिए सुरेंद्र जी, पल्लवी जी देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा पत्थर काट, ये तो वही चाहते थे जो कश्मीर के अंदर आज से कुछ साल पहले हुआ करता था। यही नजारा फिर से देखना चाहते हैं विपक्ष के लोग कि देश के अंदर अराजकता, हिंसा, दंगा, अरे यही सारे चीज तो चाहते हैं विपक्ष के लोग। आपकी जो सरकार है, जान रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, अमित शाह ने मुंबई जी को बुला के बात करूं, बोला उसके बाद तो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो है वो दे रहे हैं। भरत जी लौटेंगे आपके पास, अपने अपने बारे में बोलिए सर। जी सुरेंद्र जी, के लिए ये तो जाने ही जाते हैं। आप मुझे बताइए 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर किस प्रकार से शांति बहाली है, आज वहां पर किसी प्रकार का कोई, इतनी शांति बहाली है कि कश्मीरी पंडित बेचारे काम पे नहीं जा रहे हैं। वहाँ के राज्यपाल सिन्हा जी ने कहा है कि आप काम पे नहीं आएंगे तो आपको बेटा नहीं मिलेगा। किसी की बात समझ में आएगी दर्शकों को, बोल लेने दीजिए। जी सुरेंद्र जी, भरत भाई आप ही बोल लीजिए। जी सुरेंद्र जी कहिए, बात पूरी कीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 75 की बात देख लीजिए, 84 की बात देख लीजिए, ये तमाम जो ये हिंसा दंगा ये सब, ये तो इनके ही सरकार के टाइम में ये सारा चीज हुए। 370 हटने के बाद आप मुझे बताइए कितने पत्थर बात जो है कश्मीर के अंदर आज है। आज कश्मीर जो है एक शांति के तरफ जो है आगे बढ़ा है, लेकिन विपक्ष के लोग चाहते नहीं है कि कश्मीर का विकास हो, कश्मीर जो एक नया कश्मीर बने। सुरेंद्र जी, आप कश्मीर पे कहाँ पहुंच गए हैं सर, मैं सदन की बात यहाँ पर कर रही हूँ। विपक्ष यहाँ पर कह रहा है कि हमें वहाँ पे चर्चा नहीं करने दी गई, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, शराबबंदी का जो मुद्दा है जनता वेट कर रही थी लेकिन उस पर भी किसी तरह की चर्चा नहीं की गई। सरकार की भूमिका अहम नहीं हो जाती कि विपक्ष के साथ चर्चा करे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर बात हो, क्योंकि हर बार की तरह पिछले कई बारों से सदन की कार्यवाही को बीच में स्थगित करना पड़ा है, और जब कार्यवाही चली भी है उस दौरान भी कई बार उसे स्थगित किया जा रहा है। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको अभी जो आपने अभी कहा कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है विपक्ष का भी होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है मिलके जो है सदन जो है चलाया जाए, ताकि सदन के अंदर जितने भी विधायक, पर विपक्ष तो कह रहे हैं बोलने ही नहीं दिया जाता है, कई बार माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये भी आरोप सामने आया है। देखिए पल्लवी जी, ये तो गलत आरोप है। जब सांसद की कार्रवाई शुरू होती है वो हमेशा जो है लाइव चालू रहता है,
कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और इन्होंने अभी भरत भाई ने कहा ना कि चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया सामने आके तो अपनी बात रखती, अगर चीजों के लिए तो ये धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई को सामने लाने के लिए भी तो करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कर पाए और विपक्ष का जो भूमिका है वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। चलिए समय की कमी मेरे पास, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ भरत जी से। जी भरत जी की बात चलते हैं, पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। सर भगत भरत जी, संसदीय कार्य मंत्री ने आज विपक्ष पर सदन की गरिमा गिराने का एक और आरोप लगा दिया है और एक बार फिर से हंगामे के दौरान इस सत्र को जो है स्थगित करना पड़ा अनिश्चितकालीन के लिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि संसद की गरिमा को विपक्ष ने गिराया है, विपक्ष ने नहीं गिराया, ये काम होता है सत्ताधारी का, सत्ताधारी पक्ष होती है, वो सभी विपक्ष के लोगों को, सभी लोगों को विश्वास में लेके जो है संसद सत्र चलाने का, ना कि वो विपक्ष का होता है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि देश का राजा कमजोर है, देश का राजा जो है जनता के जवाबों के, विपक्ष के जवाबों से भाग रहा है और इसी वजह से संसद सत्र चलने नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह था कि एक हफ्ता पहले संसद सत्र को बर्खास्त कर दिया गया और अनिश्चितकालीन के लिए। चलिए सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इतनी जो कार्रवाई हुई है, बड़े दावे किए गए 97% काम किया गया है, तो आप कितना संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से जो आज हुई, इस बार हुई है? देखिए पल्लवी जी, जो 97% जो अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या लोकसभा अध्यक्ष जी ने अभी बताया और उन्होंने उसमें कहा कि 68 घंटा 42 मिनट जो है लगातार कार्रवाई हुई, उसमें 10 घंटा जो है एक्स्ट्रा भी उन्होंने काम किया है, जो और होना चाहिए था वो विपक्ष ने होने नहीं दिया। नहीं तो आज जो है अगर सांसद मान चलिए कि सभी सांसद माननीय सांसदों ने कहा कि 2-4-5 दिन पहले आप बंद कर दीजिए, लेकिन अगर ये हंगामा नहीं होता, सांसद अगर सही ढंग से सुचारू रूप से अगर चलता तो शायद और भी जो है सकारात्मक काम होता था, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ एक मुद्दा उठाया और उसके अलावा और कोई काम नहीं किए। नहीं तो आज अगर ठीक है ये कह रहे हैं कि महंगाई पे बहस करना था, आप महंगाई पे तो बाहर और अंदर कहीं भी नहीं कर पा रहे, विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं। आज देश के अंदर जिस चीजों की जरूरत है उस पे सरकार काम कर रही है, हमारे साथ मौजूद थे और भरत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से थे। और इस बार आपको बता दें कि जो संसद की कार्यवाही है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, हालांकि इससे पहले 29 दिसंबर तक ये कार्यवाही चलने वाली थी, लेकिन इस कार्यवाही को 6 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर हम बताते चलें कि इस बार दावा किया गया है कि करीब 97% काम इस दौरान किया गया इस बार जो कार्रवाई हुई है, और ऐसे में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कुछ समुदायों को भी अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा चलाने के लिए संविधान की अनुसूचित जातियों को लेकर कई अहम प्रस्ताव और विधेयक भी यहाँ पर रखे गए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल सदन के शीतकालीन सत्र में ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो अब समाप्त हो चुका है और कामकाज का जो लेखा जोखा रहा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अविलंबनीय लोक महत्व के करीब कार्रवाई यहाँ पर हुई है और नियम 377 के अधीन 298 मामले यहाँ सदन में रखे गए। स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए इस बार और सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी दिए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 43 वक्तव्य दिए गए इस बार कार्रवाई के दौरान और विभिन्न मुद्दों पर जो
कई मंत्री हैं उनके द्वारा 1811 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं और पत्रों के उत्तर दिए गए हैं। देश के मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग के बारे में भी चर्चा की गई। 68 घंटे 42 मिनट तक सदन की ये कार्रवाई चली है और सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें भी की गई। इस बार के शीतकालीन सत्र के दौरान जो चालू सत्र था उसके कार्य का उत्पादकता करीब 97% रही है और साथ ही आगे बताया जा रहा है कि 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। इस बार सदन के कार्यवाही के दौरान कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए हैं। और साथ ही आपको आगे बता दें कि आंतरिक अनुदानों की मांगों पर 10 घंटे और 53 मिनट तक चर्चा की गई है। अनुसूचित जनजातियों के आदेश वाले करीब यहां पर करीब 1950 में जो संशोधन करने वाले 5 विधेयक हैं वो पारित कर दिए गए हैं। समुद्री जलदस्युता के निरोधक विधेयक को भी मंजूरी इस बार दे दी गई है सत्र के दौरान और अविलंबनीय लोक महत्व के 374 मामले इस बार सदन में उठाए गए हैं। नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन में उठाए गए हैं और इस बार स्थायी समितियों के करीब 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सदन के शीतकालीन सत्र के दौरान 56 तांत्रिक प्रश्नों के मौके उत्तर भी दिए गए हैं और इसी के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 43 जो वक्तव्य हैं वो दिए गए। कई मंत्रियों के द्वारा करीब 1811 पत्रों का सभा पटल पर उन्हें रखा गया है। देश में मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग की समस्या पर भी चर्चा हुई है और 68 घंटे 42 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली है।